वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमें टैलेंट ने भी ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ हमाल राज मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। शी इज अ पेंटर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमाल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कहाँ पर पढ़ी हैं आप और कब से कर रही हैं ये? आई एम स्टडिंग इन NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस इन ओ लेवल, सो आई थिंक तकरीबन इट्स बीन 7-8 ईयर्स सिंस। कैसे शौक कैसे हुआ हमाल? मुझे essentially शौक नहीं था इतना, but I used to watch a lot of you know shows or whatever, जिसके अंदर I used to be like अच्छा मुझे इस तरह काम करना। मुझे बचपन से बचपन से वेरी फनी, बट मुझे पता नहीं था NCA क्या है, बट मुझे मैंने NCA जाना है। अच्छा, you never know, yeah, I never knew what it was, but NCA जाना है। अच्छा, so I had that in me, so and my parents want me to pursue being a doctor, but I was convince करना मुश्किल था उनको। I actually fooled them। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मुझे वैसे ही रखने दें साथ में, एड ऑन सब्जेक्ट मैं कुछ इसे परस्यू नहीं करूँगी। एंड व्हेन द टाइम केम दे लाइक माय वर्क सो मच, दे लाइक अच्छा यू शुड परस्यू दिस। लवली लवली। तो किस तरह का, ये अभी हम पिक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है, बेसिक जॉनरा क्या है, किस तरह? अच्छा, मेरा वर्क थोड़ा बहुत इट्स नॉट दैट कन्वेंशनल, बिकॉज वो थोड़ा बहुत एनिमे और ग्राफिक्स और इंटरेस्ट इंस्पायर्ड। यू कैन सी लॉट ऑफ कार्टून रेफरेंसेज। दिस इज फ्रॉम अ शो कॉल्ड एडवेंचर टाइम। आई टुक माई फ्रेंड्स face and I kind of superimposed in on that, right? So it's very weird, it's very trippy, my Why work. Is that so? Because that's my own personality. Actually, and I like that. Like putting my personality into my work, but I can also do hyper realistic work. For example, say yeah, this is my grandmother's painting, unke eyes ko maine na kafi hyper realistic way mein paint karne ki koshish ki, acrylics. So I want to show ke ha, you can be a hyper realist, but at the same time you can also work, you know, like apni imagination ko pagal hone do wala sab, like like that. तो आपकी पर्सनालिटी बेसिकली ऐसी है? आई वुड से सो, या क्या? और वो सारी चीज़ें आपके काम में डिपेक्ट होती हैं, राइट? आई ट्राई ट्राई। तो हमारे कोई एग्जीबिशन कुछ इस तरह का प्लान, क्योंकि आगे आपका फाइनल थीसिस भी आएगा, उसके लिए भी सोचा होता है, पहले से प्लानिंग की होती है? एक्चुअली दिस फनी थिंग इज व्हाट आई एम स्टडिंग इन NCA इज एक्चुअली visual communication. Don't tell me you're not studying this. Yeah, like I am actually doing graphics basically. Okay. So you know that's in typography, that's very bahut hi simple, like me jo personality is very out there. Aur jo main kaam kar do bas tha 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 aur jo main kaam kar rahi hu graphics ke liye, it's very simplistic, minimalism, bas do teen nukte yahan pe ho, cool kind of thing, right? Exactly. So I don't think as a thesis I might be pursuing this. अब ये जो मेरी पेंटिंग सारी काफ़ी पुरानी है, आई हैवन पेंटेड एवर सिंस आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग, राइट? बट बिकॉज आई हैव लाइक 20-30 पेंटिंग्स एट होम एंड आई हैव सो सच अ कलेक्शन, मैं सोच रही हूँ कि आई स्टार्ट पेंटिंग मोर एंड मोर एवरी डे एंड हैव अ बिग एक्चुअल एग्जीबिशन, बिकॉज यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली डूइंग दिस। अपना काम वैसे जो करो दिखाना चाहिए। हमारे जल्दी से एक मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहो। मैसेज दैट आई वुड लव टू गिव पीपल वॉचिंग आउट देयर इज दैट जो कुछ भी हो, always be true to yourself and do what you love, and it doesn't matter what people say ki aise nahi hona chahiye, aise hona chahiye, agar aapko khud khushi hoti hai jo marzi karo, like lovely. Regardless, lovely, thank you very much Hamal, wish you very best of luck, bahut maza aaya aapse baat karke jinab। ये तो थी हमारे पास इतनी जबरदस्त सा टैलेंट जिनसे हमने बात भी की और आपकी मुलाकात भी करवाई। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।